कोरोना वायरस के इलाज को लेकर एक नई खुशखबरी हांगकांग से आ रही है। जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की दवा और टीका बनाने में जुटी है, तो वहीं अब हांगकांग के अस्पतालों में डॉक्टर्स ने तीन दवाओं के मिश्रण से कुछ मरीजों को तेजी से ठीक किया है। हांगकांग के 6 सरकारी अस्पतालों में हांगकांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस से संक्रमित 127 मरीजों पर दवाओं का ट्रायल किया। इसमें से 86 को तीन दवाओं का मिश्रण जब दिया गया, जबकि 41 को सामान्य दवाओं के साथ एक अन्य दवा का मिश्रण। डॉक्टर्स का इस पर कहना है कि तीन दवाओं का मिश्रण बेहतर इलाज है या नहीं, लेकिन इसे हमें कोई कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने में थोड़ा ज्यादा वक्त ये जरूर देगा, ताकि समय में हम कोरोना से लड़ने के लिए कोई नई वैक्सीन या फिर दवा बना सके। जिन भी 86 मरीजों को तीन दवाओं का मिश्रण दिया गया, वो 7 दिन में ठीक हो गए हैं, यानी कि कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। उन्हें अस्पताल से अपने घरों के लिए वापस भी भेज दिया गया है, जबकि दूसरा ग्रुप उस समय भी इलाजरत है। हालांकि तीन दवाओं का मिश्रण उन मरीजों को दिया गया जो कि कोरोना वायरस की वजह से गंभीर रूप से बीमार नहीं थे।